नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। जींद के बहुचर्चित व्यापारी श्याम सुंदर हत्याकांड मामला अब सुलझ चुका है। बताया जा रहा है कि 1 लाख इनामी बदमाश बलजीत पोखरी और उसके साथ 2 साथी अन्य जो नागालैंड के जींद लाई CIA पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने आरोपियों को 6 दिन की रिमांड पर वापस भेज दिया। बलजीत पोखरी खेड़ी से और कुलदीप और मंजीत को नागालैंड से गिरफ्तार किया गया। पुलिस आज उन्हें रिमांड पर लेकर के आई। पुलिस हत्या के में प्रयोग की गई पिस्तौल, आल्टो कार और अन्य सामान भी बरामद करेगी और इसी के लिए पुलिस द्वारा आज रिमांड पर लिया गया है। पुलिस का मानना है कि इस हत्या में धर्मेंद्र पहलवान, बलजीत पोखरी खेड़ी और रोशन ने रची थी इस पूरी साजिश की। जो हत्या की गई है उसकी पूरी साजिश इन दोनों तीनों ने ही रची थी, जिसके तुरंत बाद शूटर को हायर किया गया था और हत्या में शामिल किया गया और उसके बाद हत्या को अंजाम दिया गया। इस हत्याकांड में धर्मेंद्र पहलवान समेत 4 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि 23 नवंबर को श्याम सुंदर हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जिसमें दुकान के बाहर बैठे व्यापारी पर गोलियां बरसाई गई थी। आप देख रहे हैं पल पल की ये वायरल खबर।